हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशी और अब आप मुझे अन अकेडमी पर फॉलो कर सकते हैं इस लिंक के थ्रू। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। मैं वहाँ पर डीट प्लस वी एंड सी टेट के कुछ क्वालिटेटिव कोर्सेज बना रही हूँ, तो आप प्लीज़ देखें उसको। इसके अलावा आप अन अकेडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं बोथ एंड्रॉयड एंड iOS डिवाइसेज पर, जहाँ पर आपको बहुत सारे अदर कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। डिस्कस करेंगे EVS नोट्स का थर्ड पार्ट है ये, जिसमें हम 5 पेजेस हर वीडियो में करते हैं। ये वीडियोस हेल्पफुल हैं आपके लिए एनवायरमेंटल स्टडीज़, पर्यावरण अध्ययन के जो सब्जेक्ट है आपका सीटेट में आता है 30 नंबर में, तो 25 से 30 नंबर के बीच में आप ज़रूर ला पाएंगे, क्योंकि NCF और पैडागॉजी हम दोनों इसमें साथ में करेंगे। स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अगर पीछे के 2 चैप्टर आपने नहीं देखे हैं 2 वीडियोज़ में, तो वो आप देख लें। और 10 पेज तक हम कर चुके हैं, बहुत बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर चुके हैं। डायरेक्ट चलते हैं पेज नंबर 11 पर और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक का काम हम कर चुके हैं मैं लास्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चंस आपको सीटेट में देखने को मिल जाते हैं। स्टार्ट करेंगे। ये बात है, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि भाई जो जानवर होते हैं उनको पता लग जाता है जितने भी भूकंप वगैरह जो कैलेमिटीज़ हैं, नेचुरल कैलेमिटीज़, उनके बारे में, तो वो अजीब सा बिहेव करने लगते हैं। तो इसी के बारे में आगे कंटिन्यू करते हैं। इन दिसंबर 2004, जो 2004 में दिसंबर में कुछ ट्राइब थी जो रहती थी अंडमान निकोबार के फॉरेस्ट्स में, जंगलों में, और वहाँ पर उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो एनिमल्स थे, जो वहाँ पर जानवर रहते थे, वो अजीब सा बिहेव कर रहे थे, एक अलग मैनर में बिहेव कर रहे थे। क्योंकि जानवर को क्या होता है बेसिकली, उनको पता लग जाता है कि अगर कुछ नेचुरल कैलेमिटी आने वाली होती है, पता नहीं वाइब्रेशन से या कुछ इंट्यूशन से, तो उनको कुछ डेंजर उन्होंने फील किया उन ट्राइब्स ने जो वहाँ पर रह रही थी, और वो एक सेफ प्लेस में चले गए, सेफ कोने में चले गए उस आइलैंड के, अंडमान निकोबार के। और बाद में वहाँ पर बहुत ज़्यादा ती सुनामी आई, और जिसकी वजह से, उस जानवर की वजह से या उन जानवरों की वजह से वो लोग बच पाए। तो ये आप याद रख सकते हैं कि अगर बात आए कि जानवर जो है भांप लेते हैं किसी भी खतरे को पहले ही। दूसरा, अगर आपको 2 ऑप्शन 4 ऑप्शन इस तरह के ऑप्शन दे दे, 2004 में अंडमान निकोबार में क्या आई थी, टी सुनामी आई थी, वहां पर जो ट्राइब्स थी वो बच गए, कुछ लोग सेफ प्लेस पर चले गए बिकॉज ऑफ एनिमल्स बिहेवियर, ठीक है। तो नेक्स्ट पर चलते हैं। एक नोट है छोटा सा टीचर के लिए, एनसीईआरटी से ही सारे नोट्स बनाए गए हैं, कि जो एक बर्ड की आई होती है, मतलब कि बर्ड्स की जो आईज होती हैं, जो पक्षियों की आंखें होती हैं, वो एक साथ एक ही ऑब्जेक्ट पर दोनों आंखें फोकस करती हैं, ठीक है। हम लोग की क्या है, अलग अलग देख सकते हैं, उनका एक साथ एक ऑब्जेक्ट पर फोकस करती हैं दोनों आंखें। इससे क्या होता है, वो डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं, बहुत आसानी से भांप लेते हैं कि जिस चीज़ को वो देख रहे हैं, एक तो जब फोकस इतना तेज होगा, दोनों आंखें एक साथ देख रही हैं और एक ही चीज़ को देखते हैं, और ये एक चीज़ है कि उनको अगर दूसरी चीज़ देखनी है तो पूरा सर अपना घुमाना पड़ता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये आप पढ़ भी सकते हैं पूरा अगर पढ़ना चाहें तो। नेक्स्ट है आपका स्लोथ, एक पक्षी है स्लोथ जो आप कहना चाहें इसको, और एक एनिमल मान लीजिए इसको, ये पेड़ पर रहता है, और देखते हैं इसके बारे में क्या है। इट लुक्स लाइक अ बियर, बियर की तरह दिखता है लेकिन है नहीं। नाम क्या है इसका, स्लोथ। और ये क्या है, 17 घंटे लगभग, एक 24 घंटे में से 17 घंटे सोता रहता है पेड़ पर उल्टा लटक करके, अपसाइड डाउन, ठीक, और एक ट्री ब्रांच पर। दूसरा, ये जो है क्या खाते हैं स्लोथ्स, ये उसी जिस पेड़ पर ये रहते हैं उसी पेड़ की पत्तियां, लीव्स वगैरह खाते हैं और जीवित रहते हैं, और लगभग 5 साल तक एक पेड़ पर रहते हैं, जब तक उस पेड़ की ऑलमोस्ट इनफ पत्तियां वगैरह ये खा नहीं चुके होते, और 40 साल तक की एज तक जीते हैं, और 40 साल में सिर्फ 5 पेड़ों पर ये रहते हैं, 8 पेड़ों पर बेसिकली, मतलब 5 साल तक एक पेड़ के ऊपर रहते हैं। और इसी तरह से 40 साल अगर इनकी एक एवरेज एज है, तो 8 × 5 = 40, 5 साल, मतलब 5 पेड़ों पर रहेंगे सिर्फ अपने 40 साल के जीवन में, ठीक है। नेक्स्ट पर चलेंगे, और एक वीक में एक बार ये उतर करके आता है अपने आप को रिलीफ फील कराने के लिए पेड़ से, ठीक है। ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, मेन मैंने हाईलाइट भी कर दी, आप चाहें पढ़ लें, नहीं तो मेरी कहानी सुन लें। और अब आता है आपका जो बिल्कुल वन लाइनर्स की फॉर्म में है, अबाउट स्लीप। जो लिजार्ड है, जो छिपकलियाँ हैं, वो लंबे टाइम के लिए सोने जाती हैं और पूरा एक सीजन सोती रहती हैं, ठीक है। और काओ क्या है, एक गाय कितने घंटे सोती है, 4 घंटे सोती है। पाइथन जो आपका स्नेक होता है वो 18 घंटे तक सोता है। जिराफ 2 घंटे सोता है सिर्फ, और जो कैट है, बिल्ली है, वो 12 घंटे, बहुत ज़्यादा टाइम है। नेक्स्ट पर चलते हैं, थिंग्स यू नीड टू नो अबाउट द टाइगर। जो टाइगर है उसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि चीते के बारे में, तो देखते हैं कुछ चीजें, कुछ फैक्ट्स देखते हैं। अ टाइगर कैन सी 6 टाइम्स बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस। जो टाइगर है वो 6 गुना ज्यादा बेहतर देख सकता है हम इंसानों से,
ठीक है। और टाइगर्स विस्कर्स, जो टाइगर की मूछें होती हैं बेसिकली, वो बहुत सेंसिटिव होती हैं, और जो मूवमेंट्स हैं, जो कि आसपास उसके मूवमेंट हो रही होती है, ये वाइब्रेशन से ही पता लगा लेता है टाइगर अपनी मूछों की वजह से। ठीक, तो ये एक बात है। दूसरा, दे हेल्प द टाइगर मूव इन द डार्क एंड फाइंड इट्स प्रे। जो बिल्कुल डार्क है, एकदम अंधेरे में भी अपने शिकार का पता ये अपनी मूछों के द्वारा ही लगाता है, क्योंकि ये भांप लेता है, उसकी वाइब्रेशन से पता लगा लेता है कि कोई यहाँ पर है आसपास या नहीं है। नेक्स्ट है, अ टाइगर सेंस ऑफ हियरिंग इज सो शार्प। ये हमने पढ़ लिया कि भाई जो देखने की क्षमता है, आई साइट है, 6 गुना बेहतर है इंसानों से। और अब हम सुन रहे हैं कि जो हियरिंग है, मतलब सुनने की क्षमता भी बहुत बेहतर होती है, शार्प होती है एकदम। ठीक, तो ये डिफरेंस का पता लगा लेता है कि जो लीव्स की रसलिंग है, जो पत्तों का खड़खड़ाने की आवाज़ है, और एक एनिमल की आवाज़ है चलने की। तो ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया है कि जो एक टाइगर है वो ये पता लगा लेता है कि जो लीव्स हैं, जो जंगल में पेड़ पत्तियों की, जो नीचे वो पड़े हुए रहते हैं पत्ते, उनकी आवाज़ में क्या डिफरेंस है और एक एनिमल के मूव करने में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट है, द ईयर्स ऑफ द टाइगर कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड दिस हेल्प्स टू कैच हिम द साउंड्स फ्रॉम ऑल अराउंड। जो कान होते हैं टाइगर के, वो हर एक डायरेक्शन में चलते हैं, हर डायरेक्शन में सुन पाते हैं चारों तरफ से, और इसी वजह से उसको हेल्प मिलती है अपने शिकार को पकड़ पाने में। दूर से ही वो पहचान लेता है कहाँ पर कौन है। टाइगर्स मेक डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट पर्पजेस। जो टाइगर हैं वो डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स निकालते हैं अलग अलग पर्पज के लिए। जैसे कि जब गुस्सा होते हैं तो अलग रोर करेंगे, दहाड़ेंगे, और जब उन्हें अपनी एक टाइग्रेस को बुलाना है तब अलग तरह की एक साउंड बनाएंगे। नेक्स्ट है, इट कैन ऑल्सो रोर और स्नाल। स्नाल और रोर कर सकता है, और इसकी जो रोर है, जो दहाड़ है, वो 3 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। तो ये थे कुछ फैक्ट्स टाइगर्स के बारे में, चीतों के बारे में। ये आप याद रखें, इनमें से क्वेश्चन किसी भी तरह से बन सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन आता ही है। नेक्स्ट पर चलते हैं, डेंजर टू एनिमल्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, डेंजर टू एनिमल्स। इसमें देखेंगे कि जानवरों को किस तरह से डेंजर है, एक हेडिंग है, एक टॉपिक है एनसीईआरटी के अंदर। द टाइगर इज वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल्स। जो टाइगर है वो एक बहुत अलर्ट है, जैसा कि हमने पढ़ा, उसकी जो सुनने की क्षमता है वो बहुत अच्छी है, देखने की क्षमता है 6 गुना अच्छी है हमसे, और ताकतवर भी होता है। लेकिन फिर भी क्या है, डेंजर में है, इतना अलर्ट होने के बावजूद भी डेंजर में है, क्योंकि हम ह्यूमन्स उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। नेक्स्ट है, एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क। मतलब जो एलिफेंट्स हैं, हाथियों को उनकी टस्क के लिए मारा जाता है, राइनोसोर्स को उनके हॉर्न के लिए, जो उनके सींग होते हैं, टाइगर्स को, क्रोकोडाइल्स को, स्नेक्स को, इन सबको अपनी स्किन के लिए, क्योंकि ह्यूमंस क्या करते हैं, इनको यूज करते हैं, इनको बेचते हैं, पैसे बनाते हैं इन लोग को मार करके, एनिमल्स को। तो ये आप याद रख सकते हैं किसको किस चीज के लिए मारा जाता है, एलिफेंट्स को टस्क के लिए, राइनोसोर्स को हॉर्न के लिए, टाइगर क्रोकोडाइल स्नेक्स को स्किन्स के लिए। ठीक, नेक्स्ट है, मस्क डियर आर किल्ड जस्ट टू मेक अ लिटिल सेंट फ्रॉम इट्स मस्क। जो मस्क डियर होता है वो, उसकी जो सेंट बहुत ज्यादा खुशबू, जिसको पता नहीं सिंदूरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं, डियर का जो एक सेंट है, उसकी जो एक खुशबू होती है, उसके लिए उसको मारा जाता है। तो एक ये बात है। नेक्स्ट है, सम फॉरेस्ट एरियाज दैट आर प्रोटेक्टेड बाय आर गवर्नमेंट, दीज आर। कुछ एरियाज को प्रोटेक्ट कर दिया गया है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, घना जो है आपका भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में। तो इन दोनों पार्क्स को, नेशनल पार्क्स को बैंड है ये, कि आप यहाँ पर हंट नहीं कर सकते किसी भी एनिमल को। इन दीज एरियाज नो बडी कैन हंट, बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है। ना तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो जंगल को, ना एनिमल्स को हार्म पहुंचा सकते हो, प्रोटेक्टेड है गवर्नमेंट की तरफ से। कौन से एरिया, उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट और घना इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है, स्नेक चार्मर स्टोरी। तो स्नेक चार्मर जो सपेरा है, उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर। सपेराज आर ऑल्सो कॉल्ड कालबेलियाज। तो सपेराओं को और क्या कहते हैं, कालबेलियाज कहते हैं, स्नेक चार्मर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट है, नाग गुम्फन। नाग गुम्फन क्या है, डिजाइन्स ऑफ दिस काइंड आर यूज इन रंगोली। ये आप अगर सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगे, वो स्नेक्स के जैसे ही शेप्स में कुछ पेंटिंग वगैरह बनाते हैं लोग, रंगोली बनाते हैं, एम्ब्रॉयडरी बनाते हैं इस तरह की। सौराष्ट्र में इसकी बेसिकली डेकोरेशन के लिए काम में लिए जाते हैं, नागों का, या बेसिकली जो एक स्नेक्स की शेप्स की रंगोली, एम्ब्रॉयडरी, इन सबको गुजरात में भी, ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, स्नेक चार्मर्स रिकॉग्नाइज अ स्नेक बाइट बाय इट्स बाइट मार्क्स। मतलब जो स्नेक चार्मर है, जो एक सपेरा है, वो जो स्नेक की बाइट है, जो सांप की बाइट है, जो वो मारता है बिल्कुल डंक अपने, उसके उसको देख करके पहचान सकता है कि भाई इसको सांप ने काटा है, ऑब्वियसली उसका काम ही है। नेक्स्ट है, द स्नेक चार्मर्स कलेक्ट और मेक मनी मेडिसिन विद द हेल्प ऑफ प्लांट्स। जो स्नेक चार्मर होते हैं, सपेरे होते हैं, सांप को रखने वाले, स्नेक्स को जो पालते हैं बेसिकली, वो लोग क्या करते हैं, मेडिसिन बनाते हैं, दवाइयाँ बनाते हैं प्लांट्स का यूज़ करके अलग अलग फॉरेस्ट में, और जिसको वो बेचते हैं बाद में, हेल्प करते हैं लोगों की और पैसे भी कमाते हैं। स्नेक्स आर हेल्पफुल फॉर फार्मर्स एज दे ईट रैट्स इन द फील्ड।
अदरवाइज रैट्स वुड ईट द क्रॉप. अगर क्वेश्चन आता है कि भाई स्नेक्स कैसे हेल्पफुल हैं फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए, सांप कैसे महत्वपूर्ण है, तो सांप जो होते हैं वो रैट्स को, चूहों को खा जाते हैं, नहीं तो जो चूहे हैं वो क्रॉप्स को, फसलों को खा जाएंगे. इसलिए हेल्पफुल होते हैं सांप फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए. नेक्स्ट पर चलेंगे. ओनली 4 टाइप्स ऑफ स्नेक्स आर पॉइजनस इन इंडिया, ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये हमने कहीं पर किया भी था आई थिंक ईवीएस का पेपर सॉल्व करते टाइम. इसको गलती से, इसका आंसर कुछ गलत हो गया था तो वो लोग देख लें यहाँ पर. कि सिर्फ 4 ही तरह के स्नेक मिलते हैं इंडिया में, तो ये कन्फ्यूजन थी मुझे भी. सिर्फ 4 तरह के पॉइजनस स्नेक, मतलब स्नेक तो हैं लेकिन जो पॉइजनस हैं, जो जहरीले सांप सांप हैं, वो सिर्फ 4 ही प्रकार के हैं. कौन से हैं? कोबरा है, कॉमन क्रेट है, रसल्स वाइपर है, डुबोया जिसको कहते हैं, सॉ स्केल्ड वाइपर है, अफई जिसको कहते हैं. तो ये चारों प्रकार आप याद रख सकते हैं, कोबरा, कॉमन क्रेट, रसल्स वाइपर, सॉ स्केल्ड वाइपर, अफई और डुबोया कहते हैं इनको. नेक्स्ट है, आ स्नेक हैज 2 हॉलो टीथ. ये भी इसमें भी कई जगह दिया हुआ है पेपर्स में कि 4 हॉलो टीथ होते हैं, 4 दांत होते हैं स्नेक के, लेकिन सिर्फ 2 होंगे, तो वो ऑप्शन आप हटा दें जिसमें 4 दिए हों. नेक्स्ट है, द पॉइजन एंटर्स द पर्सन बॉडी थ्रू दीज फैंग्स. जो पॉइजन है, जो जहर है, इंसान की बॉडी में इन्हीं 2 दांतों के थ्रू जाता है, फैंग्स कहते हैं उनको. नेक्स्ट है, द मेडिसिन फॉर अ स्नेक बाइट इज मेड फ्रॉम द स्नेक्स पॉइजन एंड इज अवेलेबल इन ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स. जो स्नेक बाइट की, जो सांप के काटने की दवाई है, वो स्नेक स्नेक के ही पॉइजन से बनती है, सांप के ही जहर से बनाई जाती है और आपको ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हो जाएगी. तो ये कुछ चीज़ें थी जो सांपों के बारे में जानना जरूरी था, इनको याद रखें. अदरवाइज एक भी इधर उधर होता है तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, कई बार हम कन्फ्यूज हो जाते हैं खुद भी, तो इसको आप याद रखें. सारा खेल याद करने का ही है या समझने का ही है एनसीईआरटी ईवीएस में तो एटलीस्ट. नेक्स्ट है, फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, ये एक चैप्टर है. इसमें बताया गया है कि हमारा जो स्टमक है, हमारे पेट का टेम्परेचर क्या रहता है, 30 डिग्री सेल्सियस रहता है. और जो हमारे एसिडिक नेचर के कुछ हमारे पेट में जूसेस होते हैं, जो आपका एसिडिक नेचर के स्टमक में जूसेस होते हैं, जिससे कि आपका खाना पचता है, डाइजेस्ट होता है. नेक्स्ट, मोस्ट राइस ग्रोज इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट. जो चावल की खेती है सबसे ज्यादा वहां होती है, कहाँ पर? कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा में, उड़ीसा जिसको आप बोलते हैं, उड़ीसा. राइस इज इवन सेंट टू अदर स्टेट्स. इतने ज्यादा चावल का उत्पादन होता है यहाँ पर कि दूसरे स्टेट्स में भी राइस यहाँ से एक्सपोर्ट किए जाते हैं. और डेस्पाइट ऑफ दैट मच प्रोडक्शन ऑफ राइस, मतलब इतने प्रोडक्शन के बाद, इतने ज्यादा चावल उत्पादन के बाद भी यहाँ पर लोग भूखे मरते हैं, बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं कालाहांडी में. ये आपने सुना भी होगा शायद. नेक्स्ट है, अब इसमें क्या होगा, क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है? 4 ऑप्शन दे देगा कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट के बारे में कि यहाँ पर राइस सबसे ज्यादा ग्रो होता है, या फिर बताएगा कि यहाँ पर बहुत पुअर लोग हैं, उनमें से एक आपको ढूंढना होगा जो गलत ऑप्शन होगा. मुस्लिन क्लोथ इज यूज टू स्ट्रेन समथिंग. एक मुस्लिन नाम का क्लोथ है, इसको स्ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है. नेक्स्ट है, अथरियापुरम टाउन इज इन आंध्र प्रदेश. ये भी आप याद रखें, अथरियापुरम टाउन क्या है, आंध्र प्रदेश में है. इस तरह के बहुत सारे टाउन्स के बारे में बात की गई है ईवीएस के अंदर, क्योंकि बच्चों को अवेयर कराना होता है अपने एनवायरमेंट से, अपनी कंट्री से. नेक्स्ट, ग्लास जार्स एंड बॉटल्स आर ड्राइड वेल इन द सन बिफोर फिलिंग दैम विद पिकल्स सो दैट नो मॉइस्चर इज लेफ्ट इन दैम. ये बहुत बार पूछा गया है, 2-3 बार एटलीस्ट ही आया है क्वेश्चन, कि जो ग्लास के जार हैं, जो कांच के डब्बे होते हैं घरों में, उनको धूप में किस लिए सुखाया जाता है? तो उनको इसलिए सुखाया जाता है अचार भरने से पहले, ताकि उनमें कोई मॉइस्चर ना रह जाए, कोई नमी ना रह जाए. अगर नमी रह जाएगी तो अचार जो है वो खराब हो जाएगा, तेल से बना हुआ अचार. नेक्स्ट है, गिवन बिलो आर सम फूड आइटम्स. ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनको आप 1-2 दिन तक कैसे संभाल के रख सकते हैं, बिना खराब हुए फ्रेश किस तरह से रख सकते हैं, ये तरीके बताए हुए हैं. ये भी क्वेश्चन आता है कि जो मिल्क है, दूध है, उसको आप एक कटोरी में रख सकते हैं और कीप द बाउल इन अ कंटेनर विद सम वाटर, और कटोरी में रख के एक पानी में, ठंडे पानी में उसको रख सकते हैं, तो वो खराब नहीं होगा आसानी से. और नेक्स्ट है, कुक्ड राइस. कुक्ड राइस जो है, आपने बने हुए चावल को क्या कर सकते हैं, एक रैप कर सकते हैं, एक डंप क्लोथ में, एक भीगे से कपड़े में उसको भिगो करके रख सकते हैं जो बनाए हुए चावल हैं. नेक्स्ट है, ग्रीन कोरिएंडर, जो धनिया है उसको बॉईल करके आप ज़्यादा देर तक संभाल के फ्रेश रख पाएंगे. ऑनियन और गार्लिक जो है, जो प्याज और आपकी अदरक है, उसको एक ड्राई प्लेस में, ओपन प्लेस में रखते ही हैं आप, ये बातें आप जानते भी होंगे. ये कुछ 4-5 ऐसी चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये फ्रिज का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं बताया गया है. आपको ऐसे ही नेचुरली आप कैसे फ्रेश रख सकते हैं कुछ चीज़ों को, उसके बारे में बात हुई है. तो आई होप आई एम क्लियर. नेक्स्ट पर चलते हैं, प्लांट्स विद हंट. ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है. ये पिचर प्लांट है, नेपनथीस जिसको कहते हैं हम. ये क्या करता है, अपने अंदर ट्रैप कर लेता है, कीड़े मकौड़ों को फंसा लेता है इस तरह से, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं. और रात को जब ये बंद हो जाता है, तो ये बंद हो जाता है, मर जाते हैं कीड़े मकौड़े अंदर ही, कुछ कर नहीं सकते. कहाँ पर मिलता है ये? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है, और इंडिया के अंदर मेघालय में मिलता है.
इट हैज़ अ पिचर लाइक शेप, ये जो पिचर लाइक शेप है इसकी, इसीलिए इसका नाम पिचर प्लांट है। ऊपर से एक लीफ होती है, एक पत्ती होती है जो खुली हुई होती है, जिसके अंदर जो कीड़े हैं या बेसिकली जो छोटे छोटे वो होते हैं, उड़ते रहते हैं ये इस तरह के इंसेक्ट्स, वो इसके अंदर जाते हैं और फिर ये बंद हो जाता है। तो ये एक तरह का ट्रैप है अपने आप में। द प्लांट हैज़ स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। और इसके बारे में एक खास बात ये भी है कि इसमें एक स्पेशल स्मेल है, एक सुगंध आती है इससे, या एक दुर्गंध आती है जो भी आप कहें, जो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ खींचती है और फिर उनको कैद कर लेती है। ठीक है, और बस यही कुछ बातें थी, क्लेवर प्लांट है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू गाइज, लाइक करना वीडियो को, शेयर करना, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस वॉज हिमांशी साइनिंग ऑफ, थैंक यू।